जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बॉटम के बारे में। जानने की कोशिश ये करेंगे कि बिटकॉइन का बॉटम क्या बना है या अभी भी बॉटम बनना बाकी है। अगर आपको याद है, पिछले काफी दिनों से मैं बिटकॉइन के बॉटम के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें से आपने सभी ने देखा है लास्ट 49 डेज में बॉटम, और एक लास्ट मैंने अपडेट दी जहां पर मैंने बताया था कि लास्ट 30 डेज में बॉटम, और आज एक वीडियो बना रहा हूँ जहां पर मुझे लगता है कि हम बॉटम बना चुके हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री। अब बॉटम एग्जैक्टली कहां पर बन सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। जो लोग लॉन्ग टर्म बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे, जो लोग SIP करना स्टार्ट करना चाहते, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इतना ही बोलूंगा, वीडियो को एंड तक देखो, स्कीप करके भगाकर ना देखो, वरना आपसे बॉटम मिस हो जाएगा और आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जो कि टॉप 1 ट्रेडर्स कमाते हैं या बनाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और सेकेंड चीज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, देखो याद रखो, अल्टकॉइन के अंदर अगर आपको प्रॉपर सिग्नल चाहिए, अगर आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ चाहते हो, तो यहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम वही ज्वाइन करो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स के अंदर है, क्योंकि बहुत से स्कैमर्स के चैनल अवेलेबल हो चुके हैं जो कि सेम नाम सेम इमेजेस यूज करते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई स्कैमर का चैनल है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी हुई है ना, उसी तर जाकर ज्वाइन करो। और अभी टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन की बॉटम की अगर मैं बात करूं, तो बिटकॉइन बॉटम प्रिडिक्ट करने का हमारे पास एक मेन सोर्स होता है, जो क्या होता है, बेसिकली बिटकॉइन हाल्विंग। जो नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग हमारे पास होने वाला है, वो होने वाला है बेसिकली 480 दिनों के अंदर। अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो मार्च 30, 2024 में बिटकॉइन का जो हाल्विंग है, वो हाल्विंग होने वाला है। हाल्विंग में क्या होता है, एक मोटा मोटी बात बता दूं कि जो भी माइनिंग रिवार्ड दिए जाते हैं, वो हमेशा हाफ होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जो फर्स्ट बिटकॉइन माइनिंग हुआ था, 50 बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद वो 25 में कन्वर्ट हुआ 2016 के अंदर। उसके बाद अगर बात किया जाए, फिर वहां से वो 12.5 में हुआ है। उसके बाद जो 2020 का हाल्विंग हुआ था, वहां पर वो 12.2 से लेकर 6.25 पर ब्लॉक के अंदर रिवार्ड दिया जा रहा है। तो अभी ये क्या होने वाला है, जो 2024 में हाल्विंग होंगी, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको 2024 में हाल्विंग होगी, वहां पर आपका जो करंट ब्लॉक है वो 6.25 बिटकॉइन रिवार्ड कर रहा है, वो रिवार्ड करना स्टार्ट कर देगा 2024 के हाल्विंग के बाद से 3.125। एक तरीके से हाल्विंग जो बिटकॉइन की सप्लाई है उसके अंदर रोक लगाता है, मतलब ज्यादा सप्लाई मार्केट में आने नहीं देता। देखिए, हम सभी को पता है 21 मिलियंस ऑफ बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से अभी बहुत से ऐसे बिटकॉइन्स जो कि मार्केट में एग्जिट ही नहीं करते, मतलब बहुत से लोगों ने हार्डवेयर वैलेट में रखा था, स्टोर किया था, वो वैलेट उनसे गुम हो गया, अब वापस रिटर्न या रिकवरी उससे नहीं आ सकता है। तो जितनी कम बिटकॉइन की सप्लाई रहेंगी, जितना ज्यादा डिमांड होगा, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस के अंदर हमको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब था हाल्विंग के बारे में, जो कि आपको मुझे बताना था। याद रखो, बिटकॉइन हाल्विंग के एक साल पहले और बिटकॉइन हाल्विंग के एक साल बाद, ये दो ही टाइम होता है बिटकॉइन में पैसा बनाने की। ये वो आपको बातें बता रहा हूं जो कि मुझे लगता है किसी को नहीं पता, ये बहुत से लोगों को पता भी है पर बताते कोई नहीं है। तो कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक साल पहले ही से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना होगा बिटकॉइन के अंदर, और एग्जिट करना है तो एग्जैक्टली हाल्विंग के एक साल बाद आप एग्जिट कर लो, आप फॉर श्योर बॉटम पकड़ के टॉप एग्जिट करके आप 20 से 30x प्रॉफिट आराम से बना सकते हो। अगर मैं बात करूं, 2000 आपका जो पिछला बॉटम क्रिएट किया था, $3,500 का बॉटम था, हाई कितना क्रिएट किया, $69,000, 40x के करीब रिटर्न था, अगर आप एग्जैक्टली बॉटम में उस कॉइन में या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए होते। तो मोटी मोटी बात यही समझाना है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है बिटकॉइन में, तो हाल्विंग के एक साल पहले से आपको SIP करना स्टार्ट करना है, और हाल्विंग के एक साल बाद तक उसको होल्ड रखना है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल फंडा है, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी हाल्विंग की बात करें, तो 480 दिन यहां पर बाकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम कहना चाहे तो 14-15 महीना यहां पर बाकी है अगला जो बिटकॉइन आपका हाल्विंग बेसिकली होने वाला है। देखिए, मैंने जो एक डेटा कलेक्ट करके रखा हूं, मैं परसेंटेज वाइज भी वो समझाऊंगा, हर चीज बारीकी से समझाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को उस वक्त आके देखो जिस वक्त आपके पास टाइम होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो न्यू कमर्स के साथ, ताकि जो लोग गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं ना, बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना कि उन्होंने $50,000 का बिटकॉइन बाय किया, भाई वो खरीदने का वक्त नहीं था, लोग उस वक्त बाय कर रहे हैं जब लोग मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, राइट है। तो यहां पर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया हूं, मैं डेटा की अगर बात करूं, तो यहां पर मैंने हाल्विंग डेटा लिया हूं, और लाइन्स आपको देखने को मिल रही है, ये एक तरीके से उसी का आप ये कह दो कि ये मैंने ड्रॉ करके रखो कि मैं कौन से ईयर में कहां पर हाल्विंग हुआ। जैसे का पहला हाल्विंग आपका कब हुआ था,
नवंबर 2012 के अंदर, ये देखो एग्जैक्टली इस वाली कैंडल पे यहाँ पर आपका फर्स्ट हेल्पिंग हुआ, मार्केट हाई गया, देन मार्केट ने करेक्शन किया। यहां पर आप देखेंगे तर आपका जुलाई 2016 के अंदर सेकंड हाल्विंग हुआ, राइट है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट ने करेक्शन किया 2018 2019 का, उसके बाद मार्केट यहां पर हाल्विंग और यहां पर मार्केट ने बॉटम क्रिएट करके अपसाइड किया, हाल्विंग के बाद फिर से अपसाइड किया और फिर मार्केट डाउन जा रहा है। जो नेक्स्ट हमारा हाल्विंग है यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, जो कि मार्च 24 में होने वाला है। मैं डेट नहीं मेंशन किया हूं, डेट में चेंजेस हो सकता है, मंथ में भी चेंजेस कभी कभार आता है, एक्सपेक्टेशन डेट यहां पर दी जा रही है। तो मतलब जो नेक्स्ट हाल्विंग है हमारा वो तकरीबन यहां पर है आपका मार्च 2024 के अंदर। देखिए टॉप से लेकर बॉटम की अगर मैं बात करूं, जो हमारा था वो आपको पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट टॉप से बॉटम ऑलमोस्ट यहां पर अगर बात किया जाए तो ये था आपका 2013 का, 2013 के अंदर तकरीबन 426 डेज मार्केट ने लिया था। उसके बाद की अगर बात किया जाए 2017 के बॉटम 18-19 के बॉटम में 396 आपका ऑलमोस्ट रेंज था, और अगर हम ये कैलकुलेशन करें कि भाई ये भी हमारा तकरीबन 396 डेज में बॉटम बन सकता है, जो कि आपका 2017 वाला जो टॉप के बाद यानी जो 2018-19 का जो बियर ट्रेंड था उसका जो बॉटम यहाँ पर बना था तकरीबन आपका 396 डेज के करीब बना था, और अभी हम अवेलेबल है 395 डेज के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं ये शंका है कि मार्केट ऑलमोस्ट इस मंथ के अंदर बॉटम बना लेना चाहिए। सेकेंड कैलकुलेशन जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जो कि हाल्विंग के पहले का था। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे आपका यहाँ पर हाल्विंग हुआ था, हाल्विंग के कितने महीने पहला बॉटम बना था, एग्जैक्टली 486 डेज के पहले बॉटम बना था। यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन आपको जो बॉटम बना है यहाँ पर 454 डेज के अंदर, मतलब 500 से 450 इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बनाता है और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अब जाना स्टार्ट करता है। तो इस पूरे कैलकुलेशन से एक चीज यहाँ पर कॉमन समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 366 डेज यानी तकरीबन अगर हम मोटी मोटी बात किया जाए तो 14 महीनों से लेकर ठीक है 12 महीनों के बीच में हाल्विंग के पहले, मतलब 14 महीने से 12 महीने पहले हाल्विंग के मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम अपना डिटरमाइन करता है। उसके बाद मार्केट काफी लंबे टाइम तक साइड में घूमेगा, थोड़ा बहुत अप जाएगा, थोड़ा डाउन जाएगा, यानी एक रेंज में घूमता है और उसके बाद फिर मार्केट एक हायर मूवमेंट स्टार्ट करता है। जैसा ये देखो हाल्विंग के पहले ही मार्केट ने अगर बात किया जाए यहाँ पर तो हाल्विंग के पहले मार्केट ने ऑलमोस्ट 300% का अपट्रेंड किया था। यहाँ पर बात किया जाए तो हाल्विंग के पहले मार्केट ने सेम यहाँ पर 194% का अपट्रेंड किया था। यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर भी हाल्विंग के पहले मार्केट ने तकरीबन 227% का रिटर्न दिया है। मतलब हाल्विंग के पहले ही मार्केट कुछ ना कुछ अपट्रेंड बनाना स्टार्ट करता है, मतलब हाल्विंग के पहले ही कहीं ना कहीं बॉटम बन जाता है। अब मुद्दे वाली बात यहाँ पर यह है कि हमको कैलकुलेशन तो पता है कि भाई अगला हाल्विंग मार्च 2024 या अप्रैल 2024 आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत डेट, लेकिन कन्फर्म है कि 24 में मार्च या अप्रैल दोनों से कहीं ना कहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बॉटम एक्सपेक्टेशन अभी हम लेकर चल रहे इस मंथ के अंदर वो मैं ये रख रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से मान के चलो डंप करता है, देखिए अब डंप करने के सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, मे भी ये चांस हो सकता है कि ये जो मंथ है हमारा दिसंबर मंथ ये क्लोज हो तकरीबन 14,000 के आसपास, तो हम कंफर्म मान लेंगे बॉटम बन चुका है, हम उसमें एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि याद रखो ये मंथ बॉटम के लिए बेस्ट है, ये नहीं बोलूंगा कि बॉटम बनने के बाद तुरंत मार्केट 200-300% अप जाएगा, नहीं। यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि मेरे को एग्जैक्टली हाल्विंग के एक साल बाद उसको सेल करना है, बस इसके अलावा मैं कोई और कैलकुलेशन नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। अगर मैं बॉटम में पकड़ रहा हूं तो मैं इंस्टेंट नहीं इसको सेल करूंगा, मैं एटलीस्ट हाल्विंग के एक साल बाद तक उसको होल्ड करूंगा, तभी जाके आपको एक ह्यूज प्रॉफिट बन सकता है। इवन अगर आप चाहो SIP करने में इंटरेस्ट रखते हो अभी भी आप SIP करो, मंथ एंड में भी SIP करो, और अगर मार्केट 14 के बिलो जाता है तो मैं तो चाहूंगा कि एटलीस्ट 1 से 2 बिटकॉइन खरीद के रख लो आने वाले टाइम के ना 2025 के लिए। क्योंकि अगर 24 के अंदर आपका हाल्विंग बन रहा है तो अगर आप वहां से एक एक्सपेक्टेशन लगा है कि भाई आपका टॉप कहां पर बन सकता है तो यहां से आप लेते हो 365 डेज एक एस्टिमेशन, तो तकरीबन मार्च 2025 के रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आपका टॉप क्रिएट हो जाएगा बिटकॉइन का अगला। तो सिंपल सी चीज है, अभी वक्त है इन्वेस्टमेंट का। आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन याद रखो इसमें वही पैसा लगाओ जो कि आपको 2025 तक नहीं यूज होने वाला है। आप पैसा अभी लगाएंगे आप बोलेंगे नहीं यार 6 महीने के बाद पैसे की जरूरत है मैं निकाल लूँ, तो भाई मजा नहीं आएगा। जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर
लाखों से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट गेन करे तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। वहां पर आप शॉर्ट टर्म के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, पैसा लगा के छोड़ो, 2 साल 4 साल 5 साल आपको एक ह्यूज रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप मान के चलो अभी भी पैसा लगाते हो तो ज्यादा वक्त नहीं है, 23, 24 और 25 3 साल आपको होल्ड करना है, कम से कम गिर पड़ के 30x का रिटर्न इजीली बन सकता है अगर आप एग्जैक्टली बॉटम में ग्रैब करते हो। 30x का रिटर्न को कम नहीं है भाई, 30x का रिटर्न कोई भी इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। तो गाइस मेरे ख्याल से इस मंथ के अंदर बॉटम बन जाना चाहिए और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस मंथ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP करो, नहीं एकदम पैसा आता है थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन बैलेंस ऑन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, बिकॉज ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर मंथली बात करूँ तो आपका ऑलमोस्ट 1 लाख बिटकॉइन विड्रॉल का यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है टोटल बिटकॉइन रिजर्व की अगर बात किया जाए ऑन एक्सचेंज के ऊपर अभी के वक्त के अंदर ऑलमोस्ट 19 लाख बिटकॉइन ऑल एक्सचेंजेस के अगर डेटा, FTX को तो छोड़ दो यार, अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 19 लाख बिटकॉइन अभी ऑल ऑन एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। जब बिटकॉइन का एक्चुअल सेलिंग प्रेशर आएगा, जब आपका देखिए लो अभी क्या कर रहे पता है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कॉइनबेस में से लास्ट 30 डेज में 1,33,000 बिटकॉइन विड्रॉल हुए, मतलब लोगों ने खरीद कर विड्रॉल करके कोल्ड स्टोरेज हार्डवेयर या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसा कुछ रखा हुआ है। जेमिनी पर देख लो 66,000 बिटकॉइन, राइट, क्रैकन पे देख लो 20,000। तो ऐसे बहुत सी जगह जो कि आपको विड्रॉल दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बुलरन आ चुका है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं लोग परचेस कर रहे। मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बैंक्स जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग खरीद रहे हैं और एक्सचेंज से निकाल के, उनको पता है यार 2-3 साल होल्ड रखने के तो क्यों वैलेट पर एक्सचेंज के ऊपर रखना है, ताकि FTX के साथ जो इशू हुआ है वो इशू सभी के साथ हो। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो इस मंथ के तो मुझे लगता है बहुत अच्छी आप शुरुआत करेंगे। दोबारा रिपीट करवा दो, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहला नहीं करना है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो कि आपको आने वाले 1 साल 6 महीने में लगने वाला है। 2025 तक जो पैसा नहीं काम आएगा वही पैसा इन्वेस्टमेंट करो तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। देखिए याद रखो, एक दिन के अंदर आपको करोड़पति नहीं बनने को मिलेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, आपको वक्त लगेगा, आप उसको टाइम देके इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके पेशेंस तरीके से अगर आप उसको होल्ड रखते हो देन डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम के अंदर एक ह्यूज रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी तो ये तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना है, बिकॉज बहुत मेहनत से डेटा कलेक्ट करके आपको वीडियो बना रहा हूँ और इस डेटा को आप भी जाकर मेजर करो। आपके पास यहाँ पर वेबसाइट अवेलेबल है कब कहाँ पर हालविंग होगा उसके बारे में, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करो तो आपको सामने डेटा आपका आ जाएगा। इस मंथ के अंदर कहीं ना कहीं बॉटम बनना जरूरी है, अब वो डिपेंड है प्राइस क्या होते हैं, मे बी 17,000 रहेगा, मे बी 14,000 होगा या मे बी $10,000 रहेगा, यार कुछ भी रहेगा लेकिन बॉटम कहीं ना कहीं बनेगा। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई 17 ही बनेगा, जो भी बनेगा आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। लेकिन देखो अगर मान के चलो ये मंथ का बॉटम सपोज 14,000 पर मार्केट आया, आपने बाय करना स्टार्ट किया, अगर मार्केट वहां से 10 पे भी गिरता है तो घबरा के सेल नहीं करना है। जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचते हो तो प्राइस फ्लक्चुएशन डजंट मैटर, आपको आपके टारगेट को याद रखने के बाद 2025 के पहले मेरे को सेल नहीं करना है। वरना बहुत से लोग बोलेंगे यार आपने ये बोला था लेकिन मार्केट गिर रहा है, आप दोबारा बाय कर लो पैसा अरेंज करके। देखिए SIP करना बेस्ट रहता है बियर मार्केट के अंदर, ना कि फुल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एग्जैक्टली टॉप और एग्जैक्टली बॉटम किसी को नहीं पता है। मार्केट एक्सपर्ट की बात किया जाए पिछले बुल रन की तो किसी ने भी टारगेट नहीं किया था कि बिटकॉइन $69,000 पे टॉप क्रिएट करेगा। किसी का टारगेट था $1,50,000, किसी का था $2,25,000, किसी का $3,50,000, तो हर एक पर्सन का अलग अलग बिटकॉइन टारगेट्स थे। लेकिन बिटकॉइन ने टॉप कहाँ पे क्रिएट किया, 69,000, मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता था कि बिटकॉइन टॉप कहाँ पर क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बॉटम का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, एग्जैक्टली बॉटम उस रेंज में मिलना इम्पॉसिबल चीज है। हाँ बाय लक बाय चांस मिल सकता है लेकिन 100% बॉटम एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो कभी भी अगर आप एंट्री लो, मार्केट गिर जाए तो घबराना नहीं और जाकर उसको परचेज कर ले। तो गाइस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर ज्यादा करो, लाइक ज्यादा करो और मैं चाहूंगा उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो कि बिल्कुल न्यू है यार, और जो लोग नहीं है उनको भी शामिल करो इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पर आप प्राइस देख लो यार कितना था, बिटकॉइन लगभग 0.01 सेंट से स्टार्ट हुआ था 2010 के अंदर, $69,000 का टॉप क्रिएट किया है। तो ये ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली चीज है, ये एनुअल टाइम के अंदर और ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। मतलब 0.01 सेंट का एक बिटकॉइन मिला करता था और आज की वैल्यूएशन की बात किया जाए तो $16,000-$17,000 का एक बिटकॉइन मिल रहा है। तो भाई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है,
जो लोग नहीं है उसको भी आप शामिल करो, ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि वो सही वक्त से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे। देखिए बहुत से न्यू यूट्यूबर्स हमेशा बुलरन में आते हैं और गलती वहीं पर होती है कि उनके सब्सक्राइबर एकदम से गेन हो जाते हैं और वो टॉप के अंदर बिटकॉइन के बारे में बताना शुरू करते हैं और बहुत से न्यू लोग उनके वीडियो देखकर अपना रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो को शेयर करो ताकि सही वक्त, अभी सही वक्त इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ से हर महीना हर वीक जैसा आपके पास पैसा रहेगा थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो ताकि 2025 में जो भी आपका पोर्टफोलियो रहेगा एटलीस्ट उसका 20-30-40x तो प्रॉफिट आपको बन सके। तो गाइस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट अल्टकॉइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।